शेयर बाजार में गुरुवार को सितंबर एक्सपायरी के दिन भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स जहां 610 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी लुढ़ककर 19,500 के नीचे आ गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 2.40 लाख करोड़ रुपए डूब गई। BSE का मिड कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा लुढ़क गया, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.34% नीचे बंद हुआ। आज की गिरावट इतनी तेज थी कि कैपिटल गुड्स को छोड़कर BSE के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा बिकवाली IT, FMCG, कमोडिटी, ऑटो और मेटल शेयरों में रही। कारोबार के अंत में BSE सेंसेक्स 610.37 अंक या 0.92% गिरकर 65,508.32 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 192.90 अंक या 0.98% की गिरावट के साथ 19,523.55 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कुल 30 शेयर में से सिर्फ 5 शेयर ही आज बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भी L&T के शेयरों में 1.69% की सबसे ज्यादा तेजी रही। इसके बाद भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में आज तेजी रही और ये करीब 1.34% से लेकर 0.08% तक की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 17 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। इसमें से टेक महिंद्रा का शेयर 4.22% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। इसके अलावा एशियन पेंट्स, विप्रो, इन्फोसिस के शेयरों में 1.86% से लेकर 3.66% तक की गिरावट देखी गई। 29 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी में आज बिकवाली का दबाव रहा, जिससे इंडेक्स नीचे फिसल गया। अब बैंक निफ्टी के लिए 45,000 पर स्थित 20-डे मूविंग एवरेज पर मजबूत रेजिस्टेंस दिख रहा है। नीचे की तरफ इसके लिए 44,200 पर मजबूत सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर बैंक निफ्टी 43,800 की ओर गिर सकता है। ऐसे में ट्रेडर्स को सलाह होगी कि जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे रहता है, तब तक उछाल पर बिकवाली की रणनीति पर कायम रहे। LKP सिक्योरिटीज के ही रूपक डे का कहना है कि निफ्टी में आज बड़ा करेक्शन देखने को मिला। ये आज 19,750 से ऊपर के स्तर को बनाए रखने में कामयाब नहीं रहा। ये नेगेटिव सेंटीमेंट का संकेत है। मार्केट में मंदी का रुझान कायम है, ऐसे में उछाल में बिकवाली की सलाह होगी। आगे निफ्टी 19,250 तक गिर सकता है, इसके लिए 19,450 पर तत्काल सपोर्ट है। वहीं 19,600 पर तत्काल रेजिस्टेंस दिख रहा है।